डेटा सीधी लाइन के लिए सेट हो तो रात में कौन सी बत्ती बताएगा? सफेद। दो, पॉइंट इंडिकेटर हरी बत्ती बता रहा हो तो वह किस लाइन के लिए सेट है? रन आउट। तीन, स्टेशन सेक्शन कौन से क्लास के स्टेशन पर होता है? बी क्लास। चार, जो लाइन सिग्नलों से नियंत्रित होती है उसे कौन सी लाइन कहते हैं? रन इन लाइन। पांच, सिग्नलों का पॉइंट से जुड़ा होना ही हमें लॉकिंग कहलाता है। हाँ। छह, आई बी एस कौन से सेक्शन में होता है? डबल लाइन रंगीन बत्ती। सात, दो संकेत या सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी कितनी है? 400 मीटर। आठ, बहु संकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी कितनी है? 120 मीटर। नौ, पश्चिम रेलवे पर अधिकृत अधिकारी कौन है? मुंह परी प्रबंधक। दस, अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? CRS। 11, क्या पॉइंट इंडिकेटर एक सिग्नल है? नहीं। 12, जहां सड़क रेलवे लाइन एक दूसरे को समान स्तर पर पार करती है उस स्थान को क्या कहते हैं? संपात। 13, क्या ट्रेलिंग पॉइंट आती हुई गाड़ी की दिशा बदल सकता है? नहीं। 14, बहु संकेत या सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी कितनी है? 180 मीटर। 15, दो संकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले स्टेशन पर सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी कितनी है? 180 मीटर। 16, ब्लॉक सेक्शन में तूफान आ जाए तो लोको पायलट गाड़ी को कहाँ खड़ी करेगा? सुरक्षित स्थान पर। 17, एनीमोमीटर किस बात की सूचना देता है? हवा का वेग। 18, ब्लॉक सेक्शन में आंधी तूफान आ जाए तो सवारी गाड़ी का लोको पायलट गाड़ी खड़ी करने के बाद सभी कोचों के खिड़की व दरवाजे खुलवा देगा। हाँ। 19, ऑफ ड्यूटी कर्मचारी रेलवे परिसर में नशे की हालत में पाए जाने पर क्या उसे रेल सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? हाँ।